नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम पानीपत के मिनी सचिवालय से लाइव हुए हैं, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। करीब 23 दिन से ये यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने पानीपत जिले के सभी विधायक और सांसद के निवास का भी इन्होंने घेराव किया था और कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ इनकी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये कितने संतुष्ट है नहीं है उनसे बात करते हैं। बिमला नयन है जो आंगनवाड़ी वर्कर की हरियाणा की प्रधान है, उनसे बात करते हैं। बिमला जी, कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ आपकी बातचीत हुई है। हाँ, क्या बातचीत हुई इसके बारे में? नमस्कार जी, हमारी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, एक तो उन्होंने जो हमारी रिटायरमेंट है उस पर 1 लाख वर्कर को और 50,000 हेल्पर को दिया, और दूसरी बात यह है कि जो रिटायरमेंट दी है वो इस 31 अक्टूबर से, जैसे कल 31 अक्टूबर की है, आंगनवाड़ी वर्कर है वो भी इसका लाभ उठा सकती है। दूसरी जो हमारी हेल्पर है दुर्घटनाग्रस्त है, जैसे झज्जर में 2 हेल्पर अभी इसी महीने में उनकी डेथ हुई थी, उनको 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की है, वो सभी हेल्पर वर्कर के लागू है। और तीसरी ये जो हमारा 2018 में स्किल्ड अनस्किल्ड का जो इन्होंने पास किया था, उस पर जो अच्छा चाहते थे उसको अच्छे ढंग से तो कुछ स्टैंडर्ड से नहीं दिया, लेकिन उस पर दिया है जैसे 450 के हिसाब से। और एक डिमांड थी ये हमारी, जैसे कोरोना काल में हमारी वर्कर हेल्पर ने डोर टू डोर काम किया है, सर्वे भी किया है, और जो बाहर से आते थे जाते थे पूरी कोरोना काल में ड्यूटी दी है, उसके लिए 1,000 रुपये उन्होंने प्रोत्साहित राशि दी है। और उन्होंने कही है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर और सुपर इसको हेल्पर को जो प्रमोट करने के 50% का जो कोटा दिया था, उस पर हम जब भी प्रमोट किएंगे आंगनवाड़ी वर्कर को, उस पर एक विभागीय टेस्ट होगा, उसके लिए हमारी भी सीएम साहब से पूरी बहस भी हुई है कि टेस्ट नहीं देना चाहिए, फिर उसका प्रमोशन क्या रह गया। बोले कोई बात ना, टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, वो दूसरा टेस्ट नहीं होगा। और एक कई है जैसे भाई स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, अब कोई गांव शहर से कम नहीं है, तो वहाँ जैसे क्रैच खोली जाएगी, उसमें भी हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो जैसे सुपरवाइजर को प्रमोट के लिए बोल रही थी, एक टेस्ट लिया जाएगा, दूसरा क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा। इसी प्रकार क्रैच में भी विभागीय टेस्ट होगा, क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए जो फैसला किया, कल हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है। इससे पूरी यूनियन जो डेलीगेट गया था और हमारी तमाम 52-53 हज़ार जो आंगनवाड़ी वर्कर है कार्यकर्ता है, वो सारी इसमें नाराजगी जता रही, क्योंकि असली जो मेन मुद्दा था पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करना वर्कर नहीं चाहती थी, और वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहती थी। अगर सरकार नहीं देना चाहती तो इसे कम से कम न्यूनतम वेतन 24,000 तो मिलना ही चाहिए था। बिमला जी, मुख्य मांग थी आपकी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना। हाँ जी, इस पर कोई बात नहीं, इस पर कोई बात नहीं बनी, सरकार की कोई सहमति नहीं बनी, सरकार ने कोई इस पर सुनाई नहीं की, कोई इस पर ठोस कदम नहीं लिया, इसलिए सरकार इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन में भारी आक्रोश है। और आज हमारी जो तालमेल कमेटी बनी हुई थी उसकी ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें इसकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की राज्य महासचिव पदलाल, राज्य प्रधान बिमला नयन, और CITU की तरफ से शुकंतला जी, देवेंद्री जी, और जो दूसरी तालमेल कमेटी में छोटा जी मिली हुई हैं, छोटा जी थी और राजबाला थी, इन्होंने ये सहमति जताई है कि हमारी 5 जनवरी तक हड़ताल जारी रहेगी। हम इस पहले से फैसले से मुख्यमंत्री के असंतुष्ट है, बहनों में आक्रोश है, और भारी इसमें ताकत के साथ दलबल के साथ करनाल में 5 जनवरी को रैली होगी, क्योंकि ये सभी को पता है कि जो पूरे एक गांव की सेवा है, एक कड़ी है, जो एक जड़ है, वो एक आंगनवाड़ी वर्कर रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि चाहे सरपंच हो चाहे MC हो, उसको पता नहीं होता कि हमारे गांव के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे पोलियो जैसी बीमारी है और टीकाकरण है, जो हेल्थ की जो सेवाएं है ये एक हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देती है। और जो इसका ये मैपिंग का जो काम था, चाहे वो फैमिली प्लानिंग का काम था, चाहे वो फैमिली ID का काम था, चाहे वो BLO का काम था, इस काम तो काम को देखते हुए कम से कम हमारे को 24,000 का वेतन मिलना ही चाहिए, इसलिए धन्यवाद आपका। हमें 5 तारीख तक हड़ताल जारी रहेगी। एक सवाल और है आपसे, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, कुछ नेता थे, उन्होंने हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं चाहूंगी, देखो इस पर सरकार का गलत संदेश जागा, हमारी ताकत कमजोर पड़ेगी। मेरी बहनों से हाथ जोड़ कर ये अपील है कि हमारी तालमेल कमेटी के फैसले को सिर माथे पर रखें, इसको कबूल करें और हड़ताल जारी रखें। कल धरना प्रदर्शन चलेगा? हाँ जी, यहीं चलेगा जी, यहीं हड़ताल पर वर्कर आएंगे। और भी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, सरकार से बातचीत होती है, मुख्यमंत्री से आपकी सबसे पहली मांग डिमांड यही थी भी आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस पर कोई बात नहीं हुई, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे जी, हम कल भी इकट्ठी होंगी और हमारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता जब तक न्यूनतम वेतन 24,000 बनता वो दिया जाए। करीब जो 10 मांगे हैं वो आपकी यूनियन के सामने सरकार द्वारा रखी गई है, उनसे कितना संतुष्ट हो? कौन सी मांग ठीक है जो आपके हिसाब से ठीक लगती है? कौन कौन सी मांगे ठीक लगती है आपको? जी हमारी बहनों को तो कोई सी भी पसंद नहीं आ रही जो सरकार ने हमारे को दी, तो बहनों में आक्रोश है, वो हड़ताल में जारी रहेंगी। ये थी विमला नैन, आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य प्रधान थी। इन्होंने कहा कि यह जो मुख्यमंत्री के साथ इनकी मीटिंग है उससे संतुष्ट नहीं है और इन्हें ऐलान कर दिया है कि इनका धरना लगातार 5 जनवरी तक जारी रहेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सीटी तहलका के लिए पानीपत से अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर सहरावत। गाँव की सरकार ने क्या काम किए पूरे या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।